नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो खाना या पानी को चार्ज कैसे किया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे दी जाती है, इस टॉपिक पर है। खाना या पानी को चार्ज करने के लिए आपको पहली बात तो चार्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक बार बता दें, क्योंकि जो भी खाना या पानी या कोई भी लिक्विड आप लेकर आ रहे हैं उसमें कई तरह की नेगेटिव एनर्जी हो सकती हैं। नेगेटिव का मतलब उसके सामने वाले पर्सन ने, जिसने भी वो हमें बनाकर दिया है, उसके मन में कोई भी नेगेटिव सोच हो सकती है। हो सकता है वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है वो पर्सन डिप्रेस्ड हो सकता है वो पर्सन नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो। वो जो भी सोच रहा होगा उसके खाने, उसकी जो फीलिंग है वो खाने में कन्वे हो जाती हैं। तो खाने में कई तरह के दोष हो सकते हैं, ये दोष मैं आपको कभी अलग से गिनाऊंगा। फिलहाल के लिए जो नेगेटिव सोच के कारण खाने में नेगेटिविटी आई है और खाने या पानी में नेगेटिविटी आई है, उसको हटाने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय उसी के लिए है कि आप अपने ऊर्जा को खाने की को कैसे पॉजिटिव एनर्जी से, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी से उसे बैलेंस करें, उसकी ऊर्जा को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको रेकी एनर्जी मिली हुई है तो आप रेकी एनर्जी को इनवाइट कीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए और प्रार्थना कीजिए, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अट्यूनमेंट लिया हुआ तब आप रेकी एनर्जी को इनवाइट करेंगे। अगर अट्यूनमेंट नहीं लिया हुआ है, रेकी से आप चार्ज नहीं हैं, तो भी आपके हाथों में 20% एनर्जी, 20% एनर्जी अभी भी है राइट नाउ। मतलब जीवन जब परमात्मा ने हमें भेजा है तो वो एनर्जी साथ देकर भेजा है। तो आप सिंपली दोनों हाथों को इस तरीके से रब करें, इस ऊर्जा को आपस में दोनों को हाथों को एक दूसरे की तरफ इस तरीके से करके देखें। आप पाएंगे कि एक अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है, तो समझिए कि ये एनर्जी आपके हाथों में प्रकट हो चुकी है। अब आप इसमें परमात्मा से, यूनिवर्स से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव मुझे इस खाने को चार्ज करने के लिए हीलिंग एनर्जी दीजिए। हे प्रभु मुझे हीलिंग एनर्जी दीजिए जिस खाने को मैं, पानी को मैं चार्ज कर सकूं। उसके बाद अपनी एनर्जी आप पानी की तरफ, बीच में खाना रख के उस एनर्जी को उधर भेजें, इस एनर्जी को पॉजिटिव रिलीज की तरफ भेजें और महसूस करें कि खाने के अंदर की सारी नेगेटिविटी हट रही है और पॉजिटिव एनर्जी से खाना चार्ज होता चला जा रहा है। चीज़ वही होगी, लेकिन चार्ज करने के बाद उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, उसके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। वो खाना खाने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके रोगों को नष्ट करेगा वो खाना, आपके न्यूट्रिशंस की सप्लाई प्रॉपर करेगा, उसके अंदर की जो आपके अंदर की फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाएगा। आपका इस खाने को खाकर मेडिटेशन में मन लगेगा, क्योंकि आपने सुना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जैसे आप खाना, ये पॉजिटिव खाना अगर खाएंगे तो आपका मन भी पॉजिटिव होगा। और इसी तरीके से आप पानी को भी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड आप लें तो उसको इसी तरह से चार्ज कर लें। हम लोग तो दवाइयों को भी चार्ज करते हैं कभी, वैसे तो परमात्मा की दया से जरूरत ही नहीं पड़ती दवाइयां खाने की, लेकिन कभी कुछ खाना पड़ भी जाए तो भी आप उसको चार्ज करके पॉजिटिव एनर्जी से ये भरपूर करके लेते हैं। बच्चों को भी ये चीज सिखाएं और साथ में हाथ जोड़कर अन्नम ब्रह्म कह के, कि अन्न ही ब्रह्म है, परमात्मा का रूप है, ये कहकर उसका सत्कार करें, आदर करें और खाना झूठा ना छोड़ें, खाना वेस्ट ना होने दें। जहां तक कोशिश हो उतना ही लें। जो लोग खाना लगातार झूठा छोड़ते हैं उनके जीवन में दरिद्रता और दुख बने रहते हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। इसके ऊपर मैं और डिटेल में कभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पर्पस था कि ऊर्जा कैसे दी जाए, तो ये ऊर्जा देने का सिंपल सा तरीका ये है। जब भी आप खाना खाएं इसी प्रकार से आप ऊर्जा दें और साथ में एक प्रार्थना भी करें। जिन लोगों ने इस खाने को बनाने में, जिसने अन्न उपजाया उसका धन्यवाद, जिसने उसको, उसकी मार्केटिंग करी, उसको लेकर आए बाजार तक लेकर आए उनका धन्यवाद, जिन लोगों ने इस खाने को भंडारण किया, स्टोरेज करी उनका धन्यवाद, जिन लोगों ने सप्लाई किया उनका धन्यवाद, जो मेरी मदर या फादर या बच्चों ने, जिसने भी मतलब बनाया, जिसने ये खाना बनाया, बनाने वाले का धन्यवाद, जिसने सर्व किया उसका धन्यवाद। इस तरीके से आप सारी सीक्वेंस को धन्यवाद देते हैं। इन जनरल आप केवल प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, अन्नम ब्रह्म कह के, अन्न ही ब्रह्म है, परमात्मा का रूप है, ये कहकर उसे नमस्कार जरूर करें। ऐसा करने में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जापान में एक वर्ड इसके लिए जो लिखा बोला जाता है वो है इत्ता दाकी मस, इत्ता दाकी मस, वो बोलते हैं हाथ जोड़कर, जिसका मतलब होता है इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप पाएंगे कि अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है,
खाने में पॉजिटिविटी होगी तो मन में पॉजिटिविटी होगी, और इसी प्रकार मन में आप नहाते हुए पानी को भी चार्ज कर सकते हैं। आप नहाते हुए पानी के अंदर भी इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसी पानी से, नहाने से आपकी बॉडी की नेगेटिविटी खत्म हो रही है और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर हेल्प की होगी इसने समझने में, खाने को और पॉजिटिव बनाने में, आपके जीवन में और पॉजिटिविटी लाने में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।